अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार ने भले ही बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी हो, लेकिन विपक्ष अभी भी इस योजना को नकारने में लगा हुआ है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, सदन के दोनों सदनों में इस योजना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस योजना को नकारते हुए कहा, केंद्र सरकार इस योजना को वापस तो नहीं लेगी, लेकिन जो अभ्यर्थी, परीक्षार्थी, छात्र इस योजना का विरोध कर रहे थे, उन पर सरकार ने मुकदमा किया था, उस मुकदमे को जल्द वापस ले लेना चाहिए। राबड़ी देवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में आग लगाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की योजना लाते हैं। जो जेल में है, तैयार हुआ है, उसको आपस ले, हम लोग जान रहा है कि आपस नहीं लेंगे प्रधानमंत्री। जो लड़का जेल में तैयार हो गया है उसको तो छोड़े, इसके लिए हम लोग हाउस से बाहर अभी तक सब आप लोग गुमराह कर रहे हैं। सरकार की तरफ से आरोप है कि आप लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं हम लोग, काहे ला गुमराह करेंगे? जनता बुर्बक है क्या? देश के और बिहार के जनता बुर्बक है? आँख बंद किया है, कान बंद किया है क्या? देख नहीं रहा क्या हो रहा है देश भर में? देश भर में आग लगा रहा है सरकार, भारत सरकार लड़कन के मर रहा है, खदेड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, उसका हक नहीं दे रहे हैं। कहीं जॉब नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है कुछ। महंगाई इतना है, आसमान छू रहा है महंगाई, कहाँ है? आग कान नहीं है लोग के, देश दुनिया जानता है। जानता नहीं कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी का यहाँ भी मिला जुला सरकार है, यहाँ भी बिहार में भी वहाँ भी, तो जानते हैं कि वो आपस नहीं होगा। जो चार साल के है अन्य पर वापस नहीं होगा, बाकी जो लड़का का मुकदमा हुआ है, जो एफ आई आर हुआ, वो वापस कर रहा है लड़कन के, जो छोड़े आंदोलन शांत हो चुका है, बीजेपी का भी आंदोलन शांत हो चुका है। और हम तो जान रहे हैं कि नहीं होगा, बाकी जो आप FIR हुआ लड़का पर, जो जेल में है उसको तो छोड़े हैं, वो उपद्रवी सजा देंगे, वो उपद्रवी है बताया जा रहा है कि जो जेल में नहीं है। आवाज उठाता तो उसको जीप काटेंगे क्या? प्रधानमंत्री जीप काटेंगे, चाहे मुख्यमंत्री हक के लिए नहीं है मांग करेगा। बीजेपी आग लगाता है, बीजेपी चार साल।